राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पाठ प्रथम का लेश अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने तीन चार पाठ पढ़ लिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की वैसे ये सत्र 2019-20 में, यानी 19-20 में इस पाठ को अपलोड किया गया था, जिसमें अपने कबीर का साहित्यिक परिचय, कबीर का काव्य सौंदर्य अपलोड किया गया था अच्छी तरह से। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स और बहुत सारे विद्यार्थियों के जो कॉल आए और उन्होंने बताया कि सर, हमें प्रथम पाठ की व्याख्या है वो एक बार विस्तार से समझा दीजिए। तो आप ही के आदेश के मुताबिक आज ये पहला पाठ कबीर जो है वो वापस एक बार विस्तृत व्याख्या के रूप में ले रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जैसे अपने यहाँ से अपलोड होने वाली जो कक्षाएं होती है और अपने जो ये नंबर है 9610208295, यहाँ ऑल राजस्थान के सभी विद्यार्थी जो है वो बहुत सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से पूछते रहते हैं। कई विद्यार्थी कहा करते हैं कि हमारे इंग्लिश समझ में नहीं आती। जैसे अपने यहाँ से हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य, इसके अलावा इंग्लिश और राजविज्ञान यानी राजनीति विज्ञान, इन चार विषयों के जो लेसन है वो अपलोड किए जाते हैं और हिस्ट्री के जो लेसन है वो अपलोड किए जाने पर विचार चल रहा है। अगर समय मिला तो हिस्ट्री के पार्ट भी अपलोड किए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये विचाराधीन है। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहा करते हैं कि सर, हमारे इंग्लिश समझ में नहीं आती या हिंदी की वो बात समझ में नहीं आई। तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो आपने सुना होगा, ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी है, यानी आप इससे प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। आपने एक शेर सुना होगा, कहा जाता है कि मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, ये कोई मुकद्दर का खेल नहीं होता। मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, ये कोई मुकद्दर का खेल नहीं होता। अगर इंसान कोशिश ही ना करे तो कामयाबी से कोई मेल नहीं होता। हमें कोशिश करना जरूरी है। और कहते हैं कि करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तिर शील पर परत निशान। वैसा आप तो हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये पता ही है कि, यानी जैसे मान लो जो पत्थर की शिला होती है, पत्थर की शिला पर एक जो रस्सी होती है और वो रस्सी बार बार आने जाने से उसके अभ्यास से पत्थर पर भी उसका निशान हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, चाहे जैसे असंभव को संभव कर सकते हैं। कहते हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। यानी जब आदमी, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपने सुना होगा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खम ठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़। तो बहुत सारी बातें हैं जिनसे आप ध्यान में रख करके ये कर सकते हैं। आप में वो खूबी है जिसमें आप किसी से पीछे नहीं, मस्तिष्क सभी का बराबर है। बात है अभ्यास की, आप उस मस्तिष्क को कितना काम में लेते हैं। एक विद्यार्थी 8 घंटे पढ़ता है, एक विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ता है। तो 2 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी और एक 8 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी, इसने समय ज्यादा दिया है और समर्पित होकर के उन्होंने पढ़ाई की है। समर्पित होकर के यदि आप 2 घंटे पढ़ते हैं और बिना समर्पण के यदि 8 घंटे पढ़ते हैं तो भी ये 2 घंटे वाला विद्यार्थी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसने समर्पित होकर के अध्ययन किया है। तो मेरे विचार से आपको समर्पित होकर के अध्ययन करना चाहिए। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत सरल है, हिंदी की बजाय भी सरल है। अपनी जो हिंदी है, अपना जो साहित्य है, साहित्य में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। इंग्लिश में यदि आप एक बार याद कर लिया तो वो याद ही है, आप भूलेंगे नहीं। इंग्लिश के पार्ट कितने सरल है, इंग्लिश का जो आप जब इंग्लिश को लिखते हैं तो लिखने में कोई इतना नहीं है। ये मेन बात यह है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और वही बात है सिल पर परत निशान, यानी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मस्तिष्क में इंग्लिश की रेखाएं बन जाएगी, इंग्लिश जो है वो छप जाएगी और आप अच्छी तरह से उसे
याद कर लेंगे, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। रही बात अपने यहाँ से जो लेसन अपलोड की, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज भी आते हैं, उत्तर भी आते हैं, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर भी बहुत सारे विद्यार्थी भेजते हैं, अपनी शंका समाधान भी करते हैं। तो हमारे लिए क्या उपयोगी है क्या नहीं है, ये हमारी बातें जो ग्रुप में होती रहती है, और ग्रुप में बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी डाले जाएंगे जिससे आप परीक्षा में अच्छी तरह से उन्हें याद कर सके, अच्छी तरह से लिखने में। बात यह कि जैसे मान लो मैं यहां से जो लिखता हूं, तो लिखने के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदी में आप किस प्रकार लिखें। हाँ, हिंदी में आपने याद कर लिया, याद रटना नहीं है आपको, रटाफिकेशन करना ही नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, समझ करके स्वयं लिखें, खुद लिखने का प्रयास करें। जैसे हम कबीर को पढ़ रहे हैं, कबीर जैसे कबीर का परिचय अपन ने पढ़ लिया, कबीर का परिचय अपन ने सुन लिया, कबीर का परिचय जो मैंने दिया है वो बहुत सारी किताबों को, संदर्भ पुस्तकों को और मेरे अनुभव को, जहां तक मैंने पीजी नेट में जो मेरा विषय रहा है वहां तक जो जितना मैंने पढ़ा कबीर के बारे में, उन सबको शामिल करते हुए मैंने कबीर के परिचय के बारे में लिखा है। तो आप वहां से कबीर का परिचय अवश्य पढ़ें, बहुत अच्छा दिया हुआ है कबीर का, किसी भी कवि का जो काव्य सौंदर्य है वो जरूरी होता है। तो आइए अपन चलते हैं पाठ पर, पाठ पर चलते। देखिए आज हम पढ़ेंगे, वैसे आज हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, और हिंदी साहित्य में क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं कबीर, जो 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी तक विद्यमान थे, और 1518 तक इनका परिचय बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप वहां से देखें। कबीर को हमें पढ़ना चाहिए, कबीर हमारे जीवन का, हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, कबीर का जो साहित्य है वो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और कबीर की जो कविताएं हैं, इसीलिए तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, अर्थात वाणी का तानाशाह है ये, वाणी को कैसे भी बदल सकता है, कैसे भी लिख सकता है। तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान कि वाणी वास्तव में कैसे की जाती है। इन्हें कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि मसी कागज छुआ नहीं कलम गई नहीं हाथ, यानी कबीर अनपढ़ थे, मसी कागज छुआ नहीं मतलब स्याही और कागज मैंने छुआ ही नहीं, और कलम गई नहीं हाथ, ना कभी कलम के हाथ लगा, फिर भी इतने बड़े ज्ञानी थे। तो ये कहां से आए, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका समर्पण भाव था, उनका समर्पण भाव था, समर्पित होकर के यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो देखिए आज जैसे कबीर के बारे में, एक तो साहित्यिक परिचय है, व्याख्या है, काव्य सौंदर्य है और प्रश्नोत्तर है। साहित्यिक परिचय आपको पहले वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा दिया हुआ है। व्याख्या आज हम पढ़ेंगे, काव्य सौंदर्य जो है पहले वाला वीडियो उसमें दिया हुआ है, और प्रश्नोत्तर और व्याख्या दोनों साथ में, आज हम इतना अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ध्यान पूर्वक देखना। और इसमें अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा मेरी तरफ से, जो व्याख्याओं में आएंगे उन व्याख्याओं के आधार पर मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, आप उनका उत्तर भी लिखकर भेजेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कि कबीर के जो परिव्याख्या करने से पहले हमें क्या करना होता है। देखिए आप जब कबीर के दोहे पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, एक तो प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और विशेष लिखना है। विशेष में आप क्या लिखते हैं, प्रसंग तो आप ऐसे लिखेंगे, ये आप रट लें, यानी ये आप इसको समझ लें, रटना नहीं है समझना है कि प्रस्तुत दोहे भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी ऐसा लिखना है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि महान संत एवं सच्चे समाज सुधारक, संचय सच्चे समाज सुधारक कबीर द्वारा विरचित कबीर बीजक, ये ना कबीर बीजक उनका एक काव्य ग्रंथ है, कबीर बीजक के साखी खंड में से उद्धृत है, साखी खंड में से उद्धृत है, उद्धृत है, साखी खंड में से उद्धृत है। प्रस्तुत साखियों में कबीर ने गुरु की महिमा को बताया है, और कबीर की दृष्टि में गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, आप इतना ही लिख देंगे तो ही बहुत है। इसमें कुछ त्रुटियां रह गई क्योंकि ये लिखते समय छापते समय रह गई थी। गुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। कबीर के बारे में वैसे भी आपने सुना होगा गुरु को कितना महत्व दिया गया है, गुरु गोविंद दो खडेर का के लागू पान बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला, अर्थात
गुरु की जो महिमा है उन्होंने बहुत ज्यादा कही है। इसके बाद हम करेंगे व्याख्या, व्याख्या में उसे समझाएंगे। विशेष में आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, एक तो इसके भाव से संबंधित, एक इसकी भाषा से संबंधित और एक काव्य शास्त्र से संबंधित। यदि कोई अलंकार है, छंद है, कोई बात, इन तीनों में से आप एक एक चयन करके लिख दीजिए। और उम्मीद करता हूं आप मुझे 9610208295 पर अवश्य ही बताएंगे आप कि आपको पाठ कैसा लगा और जो मोटिवेशनल बात मैंने आपको बताई है वो कैसे लगी। तो आइए हम चलते हैं उन दोहों पे। हाँ, तो देखिए कबीर के दोहे देखिए। गुरु गोविंद तो एक है रे दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता। गुरु गोविंद तो एक है, अर्थात कबीर कहते हैं कि ईश्वर और गुरु दोनों एक ही हैं, इनका सिर्फ आकार में अंतर है। ईश्वर और गुरु दोनों एक ही रूप हैं, दोनों का एक ही रूप है, अर्थात दूजा यहु आकार। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु का होना आवश्यक है। और कबीर कहते हैं कि आपा मेट, आपा यानी अहंकार, आपा का अर्थ है अहंकार। अहंकार समाप्त करके जो व्यक्ति जीते जी मर जाता है, अर्थात जीवन में जीते हुए भी सह शरीर भी व्यक्ति जब अहंकार को छोड़ देता है तो वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त होता है। आपा मेट जीवित मरे, अर्थात जीते जी मरना, जीते जी मरना का अर्थ है कि जिस व्यक्ति में इच्छा, तृष्णा, लालसा ये नहीं होते हैं और वो अहंकार को त्याग देता है तो वह व्यक्ति जीते हुए भी मरा हुआ है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया हुआ है। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग करके जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है या मरने के समान हो जाता है, और या हम ये कह सकते हैं कि जीवन की जो तृष्णाएं है उन्हें छोड़ देता है तो वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार है, एक रूपक है, यानी रूपक और गुरु गोविंद, यानी इसमें है ना रूपक गुरु गोविंद, इसमें रूपक अलंकार है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला रे सोजनी बिसर जाए, कबीर कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही तुम्हें ज्ञान का प्रकाश हुआ है, अर्थात जीवन में आपका सौभाग्य था कि आपको जब गुरु मिले तो आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ। अरे मानव अब उसे मत भूल जाना, सोजनी बिसरी जाए, अरे मानव अब उसे मत भूल जाना। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, जब ईश्वर की कृपा हुई थी तब तुम्हें आपके साक्षात ईश्वर रूपी गुरु का दर्शन हुआ था, अर्थात गुरु मिले थे, ईश्वर की कृपा से गुरु मिले और गुरु की कृपा से आपको ज्ञान का प्रकाश हुआ है, तो अब तुम्हें अपने ईश्वर रूपी गुरु को कभी नहीं भूलना है। आगे देखिए लिखा है कि पीछे लागा जाए थार लोक वेद के साथ। लोक वेद का अर्थ होता है जैसे अपने भौतिक जगत, भौतिक जगत, भौतिक जगत का अर्थ है कि जिसमें हमारी तृष्णाएं रहती है, माया मोह में हम उलझे हुए रहते हैं, सांसारिक विषय वासनाओं में हम आसक्त रहते हैं, बहुत सारी जो सामाजिक कार्यों में हम उलझे हुए रहते हैं। तो ये कहते हैं कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, अर्थात मैं संसारिकता के साथ साथ मैं भी उनके पीछे पीछे उनका अनुगमन कर रहा था, अर्थात सांसारिक आसक्तियों में मैं उलझा हुआ था और तभी रास्ते में मुझे मेरे सतगुरु मिल गए, अर्थात मेरे गुरु का दर्शन हुआ और जिन्होंने मुझे दीपक दिया हाथ, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक दे करके और मुझे इस संसारिकता का जो संसारिकता का या मेरे मन पर जो भ्रम था या मन पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उस पर्दे को दूर कर दिया, यानी मैं भी सामान्य लोगों की तरह संसारिकता में उलझा हुआ भटक रहा था और तभी और बंधन में बंधा हुआ था, तभी मेरे गुरु ने मुझे दीपक अर्थात ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दिया जिससे मैंने इस संसारिकता को पहचाना और संसारिक आसक्तियों से दूर होकर के मोक्ष की तरफ बढ़ा। तो मेरे गुरु का ही आदेश या गुरु की बख्शीश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर देखिए चार नंबर कहते हैं कि बूढ़ा था पे उबरार गुरु की लहरी चमंग, बेहरा देखा जरजरा उतरी पड़े फरंगी।
बूढ़ा था, यहां पर बूढ़ा था का अर्थ है डूब गया था। और कबीर कहते हैं कि मैं संसारिक विषय वासनाओं के समुद्र में डूब गया था और गुरु के ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश से मैं वहां से बाहर आया, अर्थात उस सांसारिक विषय वासनाओं के समुद्र में डूबा हुआ गुरु के लहर की प्रकाश से, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश की लहर से ही मैं उबर करके बाहर आया। और बाहर आने पर बेड़ा देखा, बेड़ा का अर्थ होता है यहां पर बेड़ा, बेड़ा यानी एक नाव, बेड़ा का अर्थ होता है नाव, हम यहां पर अर्थ है नाव। बेरा देखा जर्जरा, यानी जब मैंने संसारिक विषय वासनाओं की नाव को, नाव की क्षण भंगुरता को या इसकी जर्जरता को देखा तब मुझे ज्ञान हुआ और मैं तुरंत उन विषय वासनाओं से मेरे मन को हटा करके और ईश्वर की साधना में लगा दिया, अर्थात गुरु के चरणों में मैं ज्ञान प्राप्ति हेतु उमड़ गया। बूढ़ा था पे उबरा, अर्थात संसारिक विषय वासनाओं में डूब गया था और गुरु की ज्ञान रूपी प्रकाश की लहर से मैं संसारिक विषय वासनाओं के समुद्र में डूबकर भी बाहर आ गया। और जब बाहर आकर के मैंने इन संसारिक विषय वासनाओं के बेड़े को, अर्थात इस नाव को या जीवन रूपी नैया को जब जर्जर देखा, अर्थात मैंने ये देखा, मुझे आभास हुआ कि मैं अब विषय वासनाओं में डूब रहा हूं या मेरा कल्याण संभव नहीं है, तभी मैं उन विषय वासनाओं से मेरे मन को हटाकर और ईश्वर की साधना में मैंने लगा दिया। कबीर चित्त चमंकियार चौदिस लागी आए, कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि जीवात्मा चमक गई है, चौंक गई है, क्योंकि उसके चारों ओर लाय लगी हुई है, अर्थात चारों ओर से वो विषय वासनाओं से जकड़ गया है। एक व्यक्ति जब उसे ज्ञान होता है तब वह चारों ओर विषय वासनाओं से जकड़ा होने के कारण वह चमक जाता है, उससे दूर हटने का प्रयास करता है। तो कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि हे जीव, तू अपने तरफ यानी चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी है, तेरा जीव है वो चमक रहा है, अर्थात चौंक गया है, लेकिन तुम्हारे हाथ में हरि के स्मरण रूपी जल से भरा हुआ गड़ा है जिससे तू इस आग को बुझा सकता है, विषय वासनाओं की आग को बुझा सकता है, सांसारिक आसक्तियों की आग को बुझा सकता है। व्यक्ति सांसारिक आसक्तियों या सांसारिक विषय वासनाओं की आग से चारों तरफ से घिरा हुआ है, अगर जिस मानव के हाथ में हरि का स्मरण रूपी याजी स्मरण रूपी जल घड़ा है, जल से भरा हुआ घड़ा है, तो वह व्यक्ति इन सांसारिक आसक्तियों की आग से अपने आप को बचा सकता है। हरि सुमरण यहां पर रूपक अलंकार है। आगे देखिए क्या कहते हैं, पार ब्रह्म के तेजकार कैसा है उन्मान, कही बे कु शोभा नहीं देख्या ही प्रमाण। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी। तो इसमें कहा कि पार ब्रह्म के तेजकार कैसा है उन्मान, अर्थात परमात्मा, पार ब्रह्म यानी परमात्मा, परमात्मा के तेज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उनका तेज तो हम साक्षात अपनी आत्मा से साक्षात्कार करके ही प्राप्त कर सकते हैं। कहिबे को शोभा नहीं देख्या ही प्रमाण, अर्थात प्रमाण यानी ये प्रमाण। कहिबे को शोभा नहीं, अर्थात हम लौकिक ज्ञान के आधार पर ईश्वर के तेज का, ईश्वर की शोभा का, ईश्वर की सुंदरता का, परमात्मा की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। लौकिक ज्ञान के आधार पर हम उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। ईश्वर का अपनी अपनी आत्मा के आधार पर परमात्मा से साक्षात्कार के बल पर ही हम ईश्वर का अनुमान लगा सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा का जो तेज है वो अनुपम है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लौकिक ज्ञान के आधार पर हम उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। ईश्वर को तो हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार करके ही ईश्वर का अनुमान, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार या ईश्वर से ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। लौकिक ज्ञान के आधार पर हम ईश्वर के बारे में नहीं जान सकते। तो यहां पर जो यानी पार ब्रह्म के तेज कैसा है उनमें कही बे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। चिंता तो हरिनाम की ओरन चितवे दास, कबीर कहते हैं कि ईश्वर का भक्त जो है उसे और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, उसे अपने
ईश्वर के नाम स्मरण की चिंता होती है। चिंता तो हरि नाम की ओरन चितवेदास, अर्थात कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के भक्त को और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, उसे अपने ईश्वर के स्मरण का या ईश्वर का स्मरण करने की चिंता होती है। जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की फांस, कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति राम को याद किए बिना, ईश्वर का स्मरण किए बिना कोई भी काम करता है, तो ये समझ लो कि वह सांसारिक विषय वासनाओं या काल के बंधन में पड़ गया है, अर्थात उसे काल है वो अपने फांस में बांध लेगा। तो यानी ईश्वर का स्मरण, हमें कहने का अर्थ है कि हमें ईश्वर का स्मरण करके ही कोई कार्य करना चाहिए, अन्यथा हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमारी मुक्ति नहीं होती है। इसमें भी देखिए अनुप्रास और यमक अलंकार है, चित्वे और चित्वे में अनुप्रास अलंकार में ये यमक है। आगे देखिए लिखा है कि नैना अंतरी आव तू नैन झांपी तो ही लेऊ, नैन झांपी तो ही लेऊ, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊ। नैना अंतरी, ईश्वर क्या, ईश्वर के बारे में कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ। प्रियतम का अर्थ है यहां पर परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रियतम, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ और मैं मेरे नेत्र बंद कर लेती हूं। तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ, झांपी लेऊ अर्थात बंद कर लेती हूं, नेत्रों को बंद कर लेती हूं, ना हूं देखूं और कुर ना तुझे देखन देऊ, और जब मैं तुम्हें मेरे नेत्रों में बसा करके मेरे नेत्र को बंद कर लूंगी, तो ना तो मुझे इस संसार की बुराइयों को देखने का मौका मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा, और ना ही दूसरा कोई तुम्हें देख सकेगा, अर्थात प्रियतम परमात्मा जो है वो मेरे मेरे ही रहेंगे। कितनी अच्छी बात कही कि नैना अंतरी आव तू, अर्थात हे ईश्वर, हे परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि मेरे नेत्रों में आकर बस जाओ और मैं तुरंत मेरे नेत्र बंद कर लेती हूं, ना तो मुझे संसार की बुराइयों को देखना पड़ेगा और ना ही संसार तुम्हें देख पाएगा, अर्थात मैं मेरे हृदय में ही तुम्हें धारण कर लूंगी। बहुत दिनन को ज्योतिर बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलनपुर मन नाही विश्राम। जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रियतम, बहुत दिनों से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूं। बाट तुम्हारी राम अर्थात हे ईश्वर, हे परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि मैं तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूं। जीव तरसे तुझ मिलन को, अर्थात हे प्रियतम, आपसे मिलने के लिए, आपसे एकाकार होने के लिए मेरा जीव है वो तरस रहा है, अर्थात बेचैन है, और मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विश्राम भी नहीं है, मन में भी हर समय आपसे मिलने की ही हलचल बनी रहती है। देखिए 10 नंबर जो दोहा है उसमें देखिए मूरिश, मूरिश का अर्थ है यहां पर खे है, ये मूरख संगन कीजिए लोहा जल ने तिरा, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु पाए। बहुत ही सुंदर बात कही है। एक आपने दोहा पढ़ा होगा पहले कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बेटी रे तेसो ही फल दी। वही बात है कि संसार में मूर्ख व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार लोहे का आश्रय लेकर के हम समुद्र को पार नहीं कर सकते, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के साथ से हम भी पतित होने का आशय आशंका रहती है। जिस प्रकार कदली सीप भुवंग मुख स्वाति बूंद एक तिहु, अर्थात स्वाति नक्षत्रों में जल की बूंद, कदली सीपी और सांप, इन पर गिरने पर तीन भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात कदली पर अर्थात केले पर गिरने से कपूर बनता है, सीपी के अंदर गिरने से, वही बूंद जब सीपी पर पड़ती है तो मोती के रूप में बनती है, और वही बूंद जब सांप के मुख में पड़ती है तो वह जहर बन जाती है, अर्थात संगति का बहुत असर होता है। तो इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार लोहे का आश्रय लेकर के कोई व्यक्ति समुद्र पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार व्यक्ति जो है वो मूर्ख के साथ में होकर के कभी भी सदाचार को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी वह अपने जीवन में अच्छा नहीं कर सकता। तो हमें ये देखना है कि यानी लोहे का आश्रय लेकर के समुद्र पार करने की भावना वाला व्यक्ति डूब जाता है, उसी प्रकार मूर्ख का साथ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी संसार में पतित हो सकता है। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल
दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगन भूल। जीवात्मा से जीवात्मा को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि अरे मन, ये संसार तो सेमल के फूल के समान है, जो 10 दिन तक फलता फूलता है और नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार विषय वासनाओं और सांसारिक आसक्तियों वाला यह संसार क्षण भंगुर है। इसके रंग अर्थात इनकी आसक्तियों को, इनकी मोह माया को देख करके व्यक्ति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी अपने ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हमें ईश्वर का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये संसार तो श्यामल के फूल के समान है, जो दिन अर्थात 10 दिन तक फूल करके और वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार संसारिक आसक्तियों वाला ये संसार, अपना जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर भी नष्ट होने वाला है, क्षण भंगुर है। किस पल ये नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए हमें शरीर के सौंदर्य पर, शरीर पर की सुंदरता पर कभी भी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी आत्मा सुंदर होनी चाहिए। व्यक्ति शरीर से सुंदर हो, एक बात आपसे यहां कहना चाहूंगा कि बाहर से अति उजला और भीतर मेला अंग, बाहर से अति उजला और भीतर मेला अंग, वहां से तो कौवा भलार तनमन एको रंग। यानी एक व्यक्ति बाहर से बहुत उजला दिखाई देता है, लेकिन मन में मन ही मन मेला होता है, तो उनसे तो वो कौवा ही अच्छा, जो बाहर से भी काला है अंदर से भी काला है। तो ये संसार इस प्रकार का है। आगे लिखा है कि माखी, यानी इसको ये पहले खे की जगह यही पढ़ा जाता था, माखी गुड़ में गड़ी रही और पंख रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुनेर मीठे बोई माए। एक मक्खी जो कि मीठे के लालच में गुड़ पर बैठ जाती है, और गुड़ पर बैठ जाने से उसके पंख है वो चिपक जाते हैं। मक्खी ताली पीटती है, सिर धुनती है, अर्थात अपने आप को मुक्त करने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन मीठे के लालच में बैठने वाली मक्खी वहां से मृत्यु को ही प्राप्त होती है, वह अपने आप को वहां से मुक्त नहीं कर पाती। यही दशा है, यही दशा अज्ञानी मनुष्य की होती है कि सांसारिक विषय वासनाओं के लालच में आकर के व्यक्ति उनमें डूब जाता है, और जब डूब जाने के पश्चात जितना अधिक उनसे निकलने की कोशिश करता है उतना ही अधिक डूबता जाता है, और व्यक्ति एक दिन जो है वो नरकगामी हो जाता है, नरकगामी हो जाता है। तभी जीवात्मा ने कहा कि हे सखी, मीठे के लालच में यह मक्खी अर्थात ये हमारा जीव है, वो सांसारिक आसक्तियों में पड़ गया, सांसारिक विषय वासनाओं के चक्कर में, बंधन में पड़ गया, और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरकगामी हुआ। अर्थात उन्होंने अच्छा काम, ईश्वर का स्मरण नहीं किया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि लंबा हो जाता है पाठ। अगर आपको अच्छा लगे और आपको ये लगे कि आगे के दो जो पद दिए हुए हैं वो दोनों पद बताए जाएं, तो आप कमेंट में या अपने जो नंबर है उन नंबरों पे आप बताएं, ताकि आपको और भी आगे बता दिया जाए। आपके जो नंबर है ये जो दिए हुए हैं, वैसे भी दिए हुए हैं 9610208295, यानी इनपे जो बनाए हुए हैं, अपने ग्रुप भी बनाए हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो अपने शंका समाधान और प्रश्नोत्तर करते रहते हैं, तो उन विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। बहुत सारे विद्यार्थी, आपको बार बार पाठ को पढ़ना है, पाठ को बार बार पढ़ना, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक उसे पढ़ते ही रहना है। पहले भी कहा था, करत करत अभ्यास ते जड़मति होस। आपको पता है प्रतिभाएं 3 प्रकार की होती है, यानी एक तो होती है सहजा प्रतिभा, और एक होती है आहार्य प्रतिभा। ये 2 प्रतिभाएं होती है, 3 नहीं, 2। सहजा प्रतिभा जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड, अर्थात ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा होती है, और एक प्रतिभा वो होती है जो अभ्यास के बल पर प्राप्त होती है। तो अभ्यास करने वाला व्यक्ति भी गॉड गिफ्टेड के बराबर हो सकता है, लेकिन अभ्यास होना जरूरी है। अभ्यास के बल पर भी सहजा प्रतिभा के बराबर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें और अधिक से अधिक पढ़ाई करें। ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत अच्छी है, किताबें भी बहुत अच्छी है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आगे भी आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।